भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज तो जीत ली, लेकिन फिर भी क्रिकेट फैंस का दिल टूट गया। आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। पहले बता देते हैं कि भारत महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली गई, जिसमें भारत ने 2-1 से जीत हासिल की है। आखिरी मुकाबला जो था इस सीरीज का, वो भारतीय टीम 4 विकेट से हार गई, और उसके बाद भारतीय महिला टीम की कई सारी कमजोरियां जो हैं वो सामने आ गई हैं। उन कमजोरियों पर भी हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस मैच के हाल के बारे में आपको बताएं तो भारत ने सिर्फ 112 रन बनाए थे इस मुकाबले में, और बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट शेष रहते इस मुकाबले को जीत लिया। इससे पिछले मुकाबले की बात करें, यानी कि दूसरे T20 के मुकाबले की बात करें, तो उसमें भी भारतीय महिला टीम ने सिर्फ 95 रन ही बनाए थे। हालांकि शानदार गेंदबाजी रही थी, जिसके कारण बांग्लादेश की टीम 87 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और वो मुकाबला भारत ने जीत लिया था। लेकिन भारतीय महिला टीम की जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर और उसके बाद जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, जिनको थोड़ा बहुत फायर करने की जरूरत होती है, जिस पावर हिटिंग की जरूरत एक T20 टीम को होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। चाहे यस्तिका भाटिया की बात कर ले, उसके बाद भी दीप्ति शर्मा की बात कर ले, वो भी फायर करने में उतनी ज्यादा कामयाब रही नहीं है। इसके अलावा स्मृति मंधाना के बल्ले से शुरुआत में कुछ रन जरूर आते हैं, लेकिन वो बड़े स्कोर को तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाती हैं, जिस कारण बांग्लादेश के खिलाफ भी ये सीरीज थोड़ी बहुत कठिन होती हुई भारतीय टीम के लिए नजर आई। इसके अलावा आपको बता दें कि 5 साल बाद बांग्लादेश की टीम ने भारतीय महिला टीम के खिलाफ कोई T20 मुकाबला जीता है। 5 साल से भारतीय टीम का दबदबा बना हुआ था, लेकिन क्लीन स्वीप करने के इरादे से जो टीम इंडिया उतरी थी वो पूरा नहीं हुआ, और टीम इंडिया की ये सब कमजोरियां जो है वो कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आई हैं। फिलहाल आप बताइए, आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर क्लीन स्वीप कर सकती थी? क्या टीम इंडिया के सामने ये जो कमजोरियां आ रही हैं, इनसे पार पाने की टीम इंडिया को जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।